तो यहां पर आज हम पढ़ेंगे ओपन डाइस के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों क्लोज डाइस के बारे में। क्लोज डाइस और ओपन डाइस दोनों में क्या अंतर होता है? देखिएगा, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी वगैरह भी सेलिब्रेट होती हैं, आपके पेरेंट्स की सेलिब्रेट करते हैं या बर्थडे अपना भी सेलिब्रेट करते हैं, तो जब हम ये फंक्शंस को सेलिब्रेट करते हैं तो केक का ऑर्डर तो करते ही हैं। तो जो केक आता है वो किस में आता है? एक बॉक्स में आता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस बॉक्स के ना सारे फेसेस को अलग अलग करते हैं और फिर उसके बाद केक को बाहर निकालते हैं। यानी वो जो बॉक्स था ना, उस बॉक्स के सारे फेसेस को जब आपने अलग अलग किया, यानी उसको जब फैला दिया, तो यानी वो क्लोज बॉक्स से क्या हो गया, एक ओपन बॉक्स हो गया। यानी पहले वो थी क्लोज डाइस, फिर क्या होगी ओपन डाइस। यानी सभी पास जो आपके फेस है क्यूब के, वो आपने सभी क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो वो एग्जांपल किसका हो गया, ओपन डाइस का। अब प्यारे बच्चों, ओपन डाइस में क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आते हैं, उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ओपन डाइस के अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे कि ओपन डाइस के अंदर अपोजिट फेसेस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर मैंने कुछ ना नेट बनाए हैं, किसके लिए, ओपन डाइस के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर जो नेट है इससे आपको अंदाजा होगा, आप जैसे इन सभी आकृतियों को, इन सभी फिगर को यदि ध्यान से देखेंगे तो इन सभी फिगर को फोल्ड करने से आपको क्या है, एक बॉक्स मिलेगा, यानी एक क्यूब का सेम मिलेगा, यानी आप कह सकते हैं आपको एक डाइस मिलेगी, क्लोज डाइस। ठीक है, पर इसमें हमें क्या पता किसके अपोजिट कौन सा फेस होगा, वही तो अभी सीख रहा है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, देखिएगा जैसे मैं इसकी बात करता हूं, सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है, यानी जिसमें दो से अधिक क्या है, फेस जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये कुछ कॉन्टिन्यूअस लेयर है इस टाइप की, जिसमें दो से अधिक फेस जुड़े हों। तो जो कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है उसमें जो अल्टरनेट फेस होता है ना, यानी एक सतह छोड़कर वैकल्पिक जो आपका क्या होता है बच्चों, फलक होता है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, अल्टरनेट फेस, यानी एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। और उसके अलावा जो ये आपका कॉन्टिन्यूस लेयर है, इसके साथ में जो साइड में जो फेस जुड़े होते हैं ना, वो हरदम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो हरदम क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। जैसा मैं यहां पर कहता हूं प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि मैं कहूंगा तो टू के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, फोर अल्टरनेट में, और थ्री के अपोजिट कौन सा आएगा, फाइव। वहीं इस लेयर के साइड फेसिस कौन कौन से हैं, वन और सिक्स। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब हुआ वन के अपोजिट क्या हुआ, सिक्स हुआ। क्या हुआ, वन के अपोजिट सिक्स। अब मैं इसकी बात करता हूं बच्चों, दूसरे नेट को देखिएगा, इस नेट में यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर आप कहेंगे सर वन के अपोजिट फाइव हो जाएगा, टू के अपोजिट सिक्स हो जाएगा, और थ्री के अपोजिट क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। इन दोनों में तो ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं था, पर अब यहां पर देखते हैं बच्चों, ये फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग यदि मैं चलता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों वन के अपोजिट नंबर जो होगा वो थ्री होगा, वहीं फोर के अपोजिट जो नंबर होगा वो क्या होगा, सिक्स होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर टू के अपोजिट फोर तो होगा, बच्चों ये अल्टरनेट फेस नहीं है, ना ही ये अल्टरनेट फेस में अपोजिट कब होता है, जब वो एक ही साथ एक ही क्या है लेयर में जुड़े हों, लगातार जुड़े हों, कुछ इस तरीके से बच्चों। ठीक है, पर ये दो जो है, चार जो है वो दो का अल्टरनेट फेस नहीं है। तो यहां पर दो के लिए क्या पेंडिंग बचा, पांच। वैसे भी आप देख सकते हैं इस लेयर की यदि मैं बात करता हूं तो इस लेयर का साइड फेस कौन सा बनता है, एक तो ये बनता है और एक ये बनता है। तो मैंने हरदम कहा था जो लेयर से साइड में जुड़े हुए फेस होते हैं ना, वो हरदम एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट, आगे हम फिर बढ़ते हैं अगले कुछ नेट्स को और देखिएगा, यहां पर देखते हैं तो ये तो बड़ा सिंपल नजर आ रहा है, वन के अपोजिट क्या हो गया थ्री, टू के अपोजिट क्या हो गया फाइव, और फोर के अपोजिट क्या हो गया सिक्स हो गया। फोर के अपोजिट क्या हो गया बच्चों, सिक्स हो गया। वहीं नेक्स्ट फिगर की तरफ हम जाते हैं तो यहां पर कहेंगे वन के अपोजिट क्या हो गया फोर, अब थ्री के अपोजिट क्या होगा, टू के अपोजिट क्या होगा। तो बच्चों मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, मैं यदि बात करता हूं तो इस लेयर के जो साइड फेसेज है वो कौन कौन से हैं, टू और फाइव है, कौन से हैं, टू और फाइव। तो यानी इसका मतलब टू के अपोजिट हो गया फाइव, और इस लेयर के साइड फेसेस कौन कौन से हैं, थ्री और सिक्स। तो यानी थ्री के अपोजिट क्या हो गया प्यारे बच्चों, सिक्स हो गया। थ्री के अपोजिट क्या हो गया, सिक्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर मैं बात करता हूं हमें यहां बताना है किसके अपोजिट कौन सा होगा। तो बच्चों यहां पर क्या है, अल्टरनेट फेसिस के अकॉर्डिंग में देखता हूं तो टू के अपोजिट एट है और फोर के अपोजिट क्या है, सिक्स है। बात है कि फाइव के अपोजिट क्या होगा। अब फाइव यहां पर हम कह सकते हैं कि इस डाइस का एक बॉटम फेस है, यानी निचली सतह है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये चार ट्राइंगुलर पार्ट दिए गए हैं ना,
एक्चुअल में होगा क्या, ये चारों मिलकर ना टॉप फेस बनाएंगे, ये चारों मिलकर क्या बनाएंगे, टॉप फेस बनाएंगे यानी ऊपरी सतह बनाएंगे। और वो किसके अपोजिट होगा, वो इस सतह के अपोजिट होगा जिस पर नंबर क्या लिखा है, पांच लिखा है। क्या लिखा है, पांच। पर बच्चों इसकी मार्किंग आप करते कैसे हैं, तो आप क्लॉकवाइज रूल से इसकी मार्किंग करेंगे। वन के बाद क्लॉकवाइज में देखिएगा, आप देखते हैं पहले सेवन है, फिर नाइन है, और फिर थ्री है, तो आप कर दीजिएगा 1793। ये आपका राइट हो गया बच्चों, यानी फाइव के अपोजिट क्या आएगा, जो इन चारों से मिलकर बनेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ओपन डाइस में अल्टरनेट फेस कैसे डिटरमाइन करते हैं वो सीख लिया होगा। अब उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा हो सकता है वो देखिएगा। अब क्वेश्चन को समझिएगा, जैसे यहां पर है, क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ये तो मैंने आपको नेट फॉर क्यूब्स बता दिया, अब ये क्वेश्चन आ गया। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। इन द गिवन फिगर विच लेटर विल कम अपोजिट टू ई, दी गई आकृति में ई के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो आपको यहां पर जो फिगर दी गई है मेरे प्यारे बच्चों, उस फिगर के अंदर आपको बताना है कि ई के अपोजिट आपका कौन सा लेटर होगा, यानी ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस ओपन डाइस को यदि मैं सोल्व करता हूं, तो अल्टरनेट फेस रूल के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूं, तो ए के अपोजिट क्या होगा, ओ होगा, आई के अपोजिट जेड होगा, और ई के अपोजिट क्या होगा, यू होगा। क्योंकि इस यहां पर इसकी मैं लेयर की बात करता हूं, तो इसके साइड फेसेस कौन से हैं, ई और यू, और जो साथ वाली जो सतह होती है वो हरदम एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। तो हम कहेंगे ई के अपोजिट क्या आएगा, यू आएगा। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व, यही तो पूछा गया था, सिंपल। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल के कैसे आते हैं वो और देखिएगा ओपन डाइस पे। तो बच्चों ये तो ना मैंने आपके लिए, देखो ये मैंने एक्सप्लेन नहीं करना, ये मैं आपको बता देता हूं। ये ना ओपन डाइस के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनको सोल्व करने के स्टेप्स क्या होते हैं, तो ये मैंने यहां पर ये दिखाया गया कि वो कैसे कैसे आपको स्टेप लेकर सोल्व करना है। यानी बेसिकली आपको चार स्टेप फॉलो करने हैं, और यदि आप चार स्टेप फॉलो करते हैं तो ओपन डाइस का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ये केवल इसलिए आपके लिए बच्चों पीपीटी में रखा गया है कि आप कम से कम इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें, ताकि यदि कुछ समय बाद आप अपने दिमाग से भूल भी जाते हैं कि ओपन डाइस के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, तो इन स्टेप्स को दोबारा पढ़कर आप उन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। तो यहां पर है क्या बच्चों, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाता हूं कि क्वेश्चन आता कैसे ओपन डाइस का। यह हमारा सबसे मेन क्वेश्चन है जो ओपन डाइस का एग्जामिनेशन के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और मेरे प्यारे बच्चों मेरी एक बात याद रखिएगा, क्या कि एग्जाम के अंदर जितना इंपॉर्टेंट क्लोज डाइस का कंसेप्ट है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, ओपन डाइस का है। और एसएससी सीजीएल की यदि मैं बात करता हूं, तो वहां पर वो भी पता है यहां पर भी अल्टरनेट रूल लगा देता है। कहेंगे सर ये अल्टरनेट रूल क्या लगा दिया, एक बार देगा क्वेश्चन क्लोज डाइस से, नेक्स्ट टाइम देगा ओपन डाइस से, फिर क्लोज डाइस से, फिर ओपन डाइस से। तो यानी दोनों जो टाइप है वो इक्वली क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन क्लोज डाइस से भी दे सकता है, और साथ के साथ आपको क्वेश्चन कहां से भी दे सकता है प्यारे बच्चों, ओपन डाइस से भी दे सकता है। अब हम यहां पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन से समझिएगा। एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए कि ओपन डाइस का क्वेश्चन एक्चुअल में आता किस टाइप का है। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड द फिगर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो पर्सन में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, जो पर्सन में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यानी यहां पर क्या है कि आपको एक फिगर दिया गया है, इस फिगर को जब मैं फोल्ड करता हूं, इस फिगर को जब मैं क्या करता हूं, फोल्ड करता हूं, तो जाहिर सी बात है ये किसका शेप लेगी, एक क्यूब का शेप लेगी, यानी एक डाइस टाइप। अब उस डाइस को यदि मैं रोल कर दूं, तो क्या इन चारों में से हमें कोई स्थिति नजर आ सकती है, यह आपके एक्चुअल में बताना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि यह जो फिगर दी गई है, इसको यदि मैं मोड़ता हूं, तो इनमें से आपको कौन सी आकृति नजर आ सकती है, आपको यह बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं बेसिकली वो समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दो स्टेप में क्वेश्चन कैसे चला। सबसे पहले आपको करना क्या है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस। सबसे पहले जो विपरीत फलकों के सभी जोड़े खोजें। सबसे पहले तो आपको क्या है, अपोजिट फेसेस के क्या निकालने हैं,
युग्म निकालने हैं। जैसे यहां पर मैं यदि बात करता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा एट द रेट है अपोजिट इसके, तो यहां से हमें पता लग गया कि एट द रेट के अपोजिट जोन सा फेस है उस पर कुछ भी नहीं लिखा गया, उसको खाली छोड़ दिया गया, यानी वो क्या है, ब्लैंक है। वहीं कॉपीराइट जिसके अपोजिट है उसके अपोजिट फेस पे भी कुछ नहीं लिखा गया है, यानी जो कॉपीराइट है वो भी क्या है, कॉपीराइट के अपोजिट जो फेस है वो भी क्या है, ब्लैंक। और वहीं जिस फेस के ऊपर एम मार्क है वो किसके अपोजिट है, हैशटैग वाले फेस के, यानी एम के अपोजिट क्या है बच्चों, हैशटैग है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा बच्चों ये। अब अगला स्टेप देखिएगा, अगला स्टेप है क्या, नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, फिर आपको क्या कहा गया था देखिएगा, फिर नेक्स्ट है, फिर आपको कहना है दी गई स्थिति में दो विपरीत फलकों को एक साथ नहीं देखा जा सकता, यानी टू अपोजिट फेसेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर इन द गिवन पोजिशन, कि यहां पर जो पोजिशन दी गई है ना, ये जो चार पोजिशन दी गई है, इन चारों पोजिशन में क्या है बच्चों, जो आपका अपोजिट फेसिस का पेयर है ना वो एक साथ नजर, देखिएगा मैंने आपको ना पिछली क्लास में क्या बताई थी, क्या कि दो अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नजर नहीं आते, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नजर नहीं आती। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी मैं कहूं तो एट द रेट इस ब्लैंक के अपोजिट है, तो यानी ये दोनों एक साथ नजर नहीं आ सकते, तो यहां पर क्या एट द रेट तो ब्लैंक तो एक साथ नजर आ रहे हैं, पर मेरे प्यारे बच्चों ब्लैंक में तो कंफ्यूजन है ना, तो हमारे पास ब्लैंक दो है तो हमें क्या पता कि कौन से ब्लैंक की बात हो रही है। तो यहां पर जो मेन रूल काम करेगा वो ये वाला करेगा, क्योंकि यहां पर दोनों जो फेसेस की है वो मार्किंग हो रखी है, यानी एक बात तो कंफर्म है, क्या एम और हैशटैग ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, एम और हैशटैग ए ऑप्शन में दोनों एक साथ है, तो इसलिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों, और कहीं पर नहीं है। अगली बात क्या है, अगली बात, प्रत्येक दी गई स्थिति में विपरीत फलकों के प्रत्येक जोड़े में से एक फलक दिखाई देना चाहिए, यानी इन द गिवन पोजिशन वन फेस शुड बी विजिबल फ्रॉम ईच पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस। इस बात का मतलब क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों ये जो पोजिशन दी गई है ना, ठीक है, उन पोजिशन में ना हर विपरीत सतहों के जोड़े में से किसी एक सतह का होना अनिवार्य है। कैसे बच्चों, अब यदि मैं कुल मिलाकर बात करता हूं तो विपरीत सतहों के हमारे जो जोड़े बने हैं ना वो कितने जोड़े बने हैं, तीन जोड़े बने हैं, यानी अपोजिट फेसेस के जो पेयर बने हैं प्यारे बच्चों, कितने पेयर बने हैं, तीन पेयर बने हैं। तो इन तीनों पेयर को यदि मैं ध्यान से देखता हूं तो यानी मैं क्या कहूंगा, जब भी हम एक डाइस को रोल करते हैं तो एक समय पर हमें मैक्सिमम कितने फेस नजर आते हैं, तीन नजर आते हैं, तो यानी हर जोड़े में से एक फेस होना चाहिए। जो तीन फेस हमें नजर आते हैं ना तो उसमें हर विपरीत सतहों के जोड़े में से कोई एक फेस जरूर होना चाहिए। जैसे यदि मैं यहां पर बात करता हूं तो एट द रेट और ब्लैंक में से क्या नजर आ गया, एट द रेट, कॉपीराइट और ब्लैंक में से क्या नजर आ गया, कॉपीराइट, एम और हैशटैग में यहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो यह आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर इन दोनों में से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो यानी जो तीन फेस हमें नजर आएंगे उन तीन में किसी एक फेस पर इन दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर नजर आना चाहिए, जो हमें यहां पर नजर नहीं आ रहा, तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है द डायरेक्शन ऑफ फेसिस ऑफ गिवन पोजिशन शुड बी सेम एज द डायरेक्शन फेसिस ऑफ क्वेश्चन फिगर, दी गई स्थितियों के फलकों की दिशा प्रश्न आकृति के फलकों की दिशा के समान होनी चाहिए। यानी यहां पर क्या कहना चाहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर वो कह रहा है कि यहां पर जो पोजिशन में ना आपको दी गई है क्या डायरेक्शन, वही डायरेक्शन क्वेश्चन फिगर के अंदर भी होनी चाहिए। जैसे मैं यदि यहां पर बात करता हूं तो यहां पर मैं देखता हूं कॉपीराइट हैशटैग के बाद क्या आता है, घड़ी की दिशा में एट द रेट, यानी पहले क्या आया घड़ी की दिशा में कॉपीराइट, फिर क्या आया हैशटैग आया, और फिर उसके बाद क्या आया प्यारे बच्चों एट द रेट आया। तो यहां से मैं चलता हूं तो कॉपीराइट के बाद घड़ी की दिशा में हैशटैग, क्या हैशटैग के बाद एट द रेट आया, नहीं आया एट द रेट नहीं आया, बल्कि यदि मैं देखता हूं घड़ी की विपरीत दिशा में कॉपीराइट के बाद हैशटैग और फिर क्या दिखाई दे रहा है एट द रेट, यानी दोनों डायरेक्शन सेम नहीं है, तो यह भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता।
और जबकि देखिएगा कॉपीराइट हैशटैग के बाद घड़ी की दिशा में क्या नजर आएगा, कॉपीराइट हैशटैग के बाद घड़ी की दिशा में ब्लैंक नजर आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर बना बच्चों डी ऑप्शन। क्या बना? डी ऑप्शन। हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिएगा ये जो कंसेप्ट बच्चों मैं आपको बता रहा हूं ना, सच्चाई मानिए, विश्वास कीजिएगा, ये कंसेप्ट आपको हर कोई नहीं बता पाएगा। ज्यादातर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में गलती करते हैं और उन्हें जो कंसेप्चुअल बात है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यदि आपको उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी तो ये ओपन डाइस का इस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। और याद रखिएगा जो चार स्टेप मैंने आपको बताए ना, उन चार में से यदि आपने एक स्टेप भी छोड़ दिया तो आप क्वेश्चन को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो चारों स्टेप को फॉलो करना है और यही बेस्ट तरीका है और यूनिवर्सल तरीका भी है। बच्चों देखिएगा एक सिंपल सी बात कहता हूं, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक याद रखना जरूरी नहीं है, केवल आप ऐसे तरीके पढ़े जिससे हर टाइप का क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो जो मैंने आपको तरीका बताया है क्वेश्चन को सोल्व करने का, उससे आप हर टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कौन से चैप्टर के? डाइस चैप्टर के, और वो भी कौन से टाइप के? ओपन डाइस के। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही है क्वेश्चन का फॉर्मेट, वही है। यहां पर हमें एक क्वेश्चन फिगर दी गई है, फिर उसके बाद चार क्या दिए गए हैं, आंसर ऑप्शंस दिए गए। तो आपको बताना इस क्वेश्चन फिगर की जब मैं फोल्ड करूंगा तो इनमें से कौन सी डाइस बन सकती है। तो यहां पर हमारे लिए थोड़ा आसान होने वाला है बच्चों, क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपोजिट फेसेस डिटरमाइन करने हैं। बी का अपोजिट फेस क्या होगा? डी होगा। बी का अपोजिट क्या होगा? डी। फिर मैं बात करता हूं सी के अपोजिट क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो सी के अपोजिट आएगा ई। फिर यदि मैं बात करता हूं तो ए के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट होगा एफ। अब यहां से देखिएगा आपका राइट आंसर बनेगा कौन सा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बी और डी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यदि कोई भी दो फेस अपोजिट है तो वो कभी भी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हो सकते, यानी दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नजर नहीं आती। टू अपोजिट फेसेस कांट बी सीन टुगेदर। तो यहां पर देखा मैंने बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है और यहां एक साथ नजर आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी और ई हमें सी ऑप्शन में एक साथ नजर आ रहे हैं तो ये भी गलत हुआ। ए और एफ हमें डी ऑप्शन में एक साथ नजर आ रहे हैं तो ये भी गलत हुआ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? बी। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, मैंने पहले आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताया। अब बेसिक कंसेप्ट क्लियर यदि आपका हो गया है तो अब मैं क्वेश्चन केवल आपको फास्ट ट्रैक में सोल्व करना सिखा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां भी। अब इसमें एनालाइज करते हैं हम, तो बच्चों क्या एनालाइज हमने किया कि जो स्टार है ना वो अपोजिट आ गया किसके, डॉट के। जो स्टार है जो भी है वो किसके अपोजिट आ गया बच्चों, डॉट के, यानी ये दोनों एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। तो हमें डी ऑप्शन में एक साथ नजर आ रहे हैं तो वो तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। दूसरी बात है ब्लैंक के अपोजिट क्या होगा, ब्लैंक। ब्लैंक के अपोजिट क्या होगा, ब्लैंक। और इस ब्लैंक के अपोजिट क्या होगा बच्चों, इस ब्लैंक के अपोजिट वो होगा जो इन चारों फेसेस से मिलकर बनेगा। और इन चारों फेसेस से मिलकर कैसे बनेगा बच्चों, देखिएगा ये पूरा शेडेड है तो ये भी शेडेड हो जाएगा, ये भी शेडेड है तो ये भी पूरा शेडेड हो जाएगा, यानी ये यहां पर बच जाएगा। अब ए ऑप्शन भी तो आपका राइट आंसर नहीं हो सकता, क्यों? आपको यहां पर पता क्या बात है, दो फेस ऐसे नजर आ रहे हैं जो हाफ शेडेड है यानी आधे छायांकित है, पर प्यारे प्यारे बच्चों छह फेसेस में से केवल यदि इस डाइस की बात करता हूं तो उसमें तो एक ही फेस ऐसा है जो आधा छायांकित है और यहां पर तो दो दिखाया, तो यह भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। और दूसरी बात स्टार और डॉट में से तो यहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही पहला स्टेप तो बताया था अपोजिट फेसेस डिटरमाइन कर लिया, यानी ये दोनों एक साथ नजर नहीं आने चाहिए तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और तीसरी बात क्या है, हर विपरीत सतहों के जोड़े में से किसी एक सतह का होना जरूरी है, क्या इन दोनों में से यहां कुछ नजर आया, नहीं नजर आया। क्या इन दोनों में से यहां पर कुछ नजर आया, तो डॉट नजर आ गया। इन दोनों में से कहेंगे ब्लैंक और इनमें से भी आ गया। और यहां पर देखिएगा सी ऑप्शन में इन दोनों में से कुछ भी नजर नहीं आया तो ये भी राइट आंसर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन तो बचा, हमें पोजीशन वगैरह यानी डायरेक्शन वगैरह कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन बचता है और वही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस बार आया थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है, आपको ये ऑप्शन नहीं है, पहले तो बता देता हूं बच्चों, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है।
इस बार क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, यानी आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी आकृति इस डाइस से आपको नजर आ सकती है, इनमें से कौन सी ऐसी पोजीशन है जब मैं इस फिगर को फोल्ड करता हूं और जो डाइस बनता हूं उसको रोल करने के बाद इन चारों में से कौन कौन सी हमें पोजिशन नजर आ सकती है, यह हमें बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो इसके अपोजिट ये वाला फेस होगा, यानी इस सर्कल के जो अपोजिट है वो क्या आ गया, ब्लैंक आ गया। दूसरी बात बच्चों, इसके अपोजिट ये होगा तो यानी डॉट के अपोजिट भी क्या आ गया, ब्लैंक आ गया। और पॉजिटिव साइन के अपोजिट, यानी इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो पॉजिटिव के अपोजिट भी क्या आ गया, ब्लैंक आ गया। तो हमने पहला स्टेप क्या है फॉलो कर लिया है। दूसरा स्टेप क्या है, दो अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नजर नहीं आते, पर बच्चों देखिएगा हर अपोजिट फेस के पेयर में ना एक फेस क्या है, ब्लैंक है। तो ब्लैंक में हमें क्या होगी, कंफ्यूजन। तो सेकंड जो स्टेप है वो हमारा यहां इंप्लीमेंट नहीं होगा, पर थर्ड इंप्लीमेंट होगा। थर्ड कैसे, इन दोनों में से यहां हमें क्या नजर आ गया, ब्लैंक, इन दोनों में से नजर आ गया ब्लैंक, और इन दोनों में से नजर आ गया प्लस। इस पोजीशन में देखिएगा, इन दोनों में से नजर आ गया डॉट, इन दोनों में से नजर आ गया ब्लैंक, इन दोनों में से नजर आ गया डॉट, और इन दोनों में से नजर आ गया प्लस। इन दोनों में से यहां नजर आ गया बच्चों ये वाला फेस, इन दोनों में से नजर आ गया ये वाला फेस, और इन दोनों में से नजर आ गया ब्लैंक। और लास्ट की बात करता हूं तो इन दोनों में से नजर आ गया ये वाला फेस, और इन दोनों में से नजर आ गया आपको डॉट, और इन दोनों में से ब्लैंक। तो ये तो चारों के चारों आंसर हमें राइट लग रहे हैं, पर इसके बाद अब आप क्या करेंगे बच्चों, पोजीशंस को भी तो चेक करेंगे, यानी डायरेक्शन, पोजीशन है जो डायरेक्शन की वो भी चेक करेंगे। आप क्या देखेंगे, आप सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या कि पॉजिटिव के साथ देखिएगा सारे रूल फॉलो कर रहे हैं। अब यदि मैं एक सिंपल सी बात करता हूं इस डाइस की फॉर्मेशन की, इस डाइस की दूसरी फॉर्मेशन किस टाइप से हो सकती है, इस डाइस को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, देखिएगा। अब मैं डाइस को ना कन्वर्ट करना भी सिखा रहा हूं। यदि यहां से आपको डायरेक्शन चेक करने में दिक्कत आ रही है, तो जब आपको पता है सारे अपोजिट फेसेस कौन कौन से फेसेस हैं उसके बारे में सब जानकारी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह है क्या सर्कल, और यहां पर क्या है खाली, और यहां पर क्या लिखा है प्लस है, ठीक है। तो इसके अपोजिट भी खाली, इसके अपोजिट भी खाली, तो ये जो है ये किस, इसके अपोजिट क्या बचेगा, ये वाला डॉट बचेगा, क्या बचेगा डॉट। यानी मैंने एक ओपन डाइस बनानी, क्या बना ली बच्चों, ओपन डाइस। इसमें यदि आपको डायरेक्शन को चेक करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि प्लस के साथ हमें क्या है दो ब्लैंक देखने थे, नजर आ रहे थे क्या, यहां तो प्लस के साथ दो ब्लैंक आप चेक नहीं कर पा रहे थे ना, तो मैंने क्या किया इसी डाइस से एक दूसरी ओपन डाइस बना ली इसी डाइस की, यानी जिसको मोड़ने के बाद भी, जैसे आप इसको मोड़ने के बाद जो डाइस प्राप्त करोगे उसको मोड़ने के बाद भी वही डाइस प्राप्त करोगे। और उसको बनाया कैसे है बच्चों, मैं दोबारा एक बार और बता देता हूं, यदि किसी बच्चे को कंफ्यूजन है उसको बनाया कैसे है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको एक ओपन डाइस बनानी है। तो आप बोले सर बना ली, अब बना ली है तो अब इसकी फीलिंग भी करेंगे, कैसे करेंगे, फेसेस पे मार्किंग करेंगे। और फेसेस पे मार्किंग कैसे करेंगे बच्चों, तो आपने देखा यहां पर आपका सर्कल कहां पर नजर आ रहा है, ऊपर की ओर, तो यहां ऊपर बना दीजिएगा। उसके जो नीचे है वो ब्लैंक है, और ब्लैंक के लेफ्ट में जो है वो प्लस है। तो बच्चों यहां से देखिएगा आप, सभी अपोजिट फेसेस का आपको पता है, तो इस प्लस वाले के अपोजिट क्या है, ब्लैंक, तो प्लस वाले के अपोजिट ब्लैंक हो गया। इस सर्कल के अपोजिट क्या है, ब्लैंक, तो सर्कल के अपोजिट क्या हो गया, ब्लैंक। अब यानी इस ब्लैंक के अपोजिट क्या होगा, जो बचा हुआ वो क्या है, डॉट है, क्या है डॉट। तो ये बन गई बच्चों डाइस। अब देखो क्या प्लस के साथ में दो ब्लैंक आ सकते हैं, तो प्लस के साथ में दो ब्लैंक आ सकते हैं, तो ये पोजीशन बिल्कुल ठीक है। तो क्या प्लस डॉट के साथ में ब्लैंक आ सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा जो ये साइड वाले फेस होते हैं ना, ये सारी जगह वेरी करते हैं, क्या है बच्चों, सारी जगह वेरी करते हैं। इस बात को ध्यान समझिएगा, जैसे मैं यदि बात करता हूं इस डाइस के अंदर जो साइड फेसेस होते हैं ना, वो सारी जगह वेरी करते हैं, क्लियर पॉइंट। यानी इस प्लस के साथ में डॉट भी आ गया और ब्लैंक भी आ गया, ये भी ठीक। क्या ये दोनों के एक साथ के फिर ब्लैंक आ सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब इस डाइस को हम फोल्ड करेंगे तो ये वाला हिस्सा किसके नीचे आकर मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे से तो आकर ही मिलेंगे ना। तो यानी मैं कह सकता हूं यहां पर भी क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। तो आप देखिएगा क्या इस डायरेक्शन में ब्लैंक है, एंटी क्लॉकवाइज में, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज में ब्लैंक है, और यहां भी एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, ब्लैंक है। तो यानी बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चारों की चारों पोजीशन क्या है, बिल्कुल सही है, चारों की चारों पोजीशन क्या है, बिल्कुल सही है।